हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ न्यू हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 का, जो आया है काफ़ी बड़े बदलाव के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइसिंग की। सो 98,000 ऑन रोड दिल्ली मिलती है न्यू स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0। उसी के साथ जो बड़ा अपडेट है वो यहाँ पर हेडलाइट का है। अब आपको स्प्लेंडर मिल जाती है LED हेडलाइट विद वाइट DRL। राइट एंड लेफ्ट में आपको DRLs मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छी लुक दे रहे हैं, और जो इसकी हेडलाइट है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है यहाँ पर हैजार्ड का। आप देख सकते हैं स्प्लेंडर में प्री इंस्टॉल्ड हैजार्ड मिलते हैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं विद प्री इंस्टॉल्ड बटन। बाहर से लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड हैजार्ड मिल जाते हैं, और जो LED हेडलाइट है वो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी के साथ आई है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है यहाँ पर कलर का। तो यहाँ पर आपको डार्क एंड लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स मिल जाती हैं जो कि डिज़ाइन को काफ़ी इन्हेंस कर देती है, काफ़ी प्रीमियम बाइक लगती है। उसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पर क्रोम फिनिश भी दिया है, और आपको 3D में हीरो की बैजिंग मिल जाती है जो कि इसको थोड़ा सा एग्रेसिव लुक देती है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो यहाँ पर अब आपको जो की होल्डर है वहाँ पर आपको अलग से ये टी मिल जाता है जो कि थोड़ा सा बेटर लुक देता है। पहले आपको सिंपल मिलता था, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं की को निकाल के दिखाऊं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लुक मिलता है की इंसर्ट करते हुए, जो कि पहले बड़ा बेसिक आता था। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको i3s टेक्नोलॉजी मिल जाती है। यहाँ पर आप i3s ऑन ऑफ कर सकते हैं जिससे कि आपको बेटर माइलेज मिलता है, बट ये माइलेज मिलेगा आपकी राइडिंग कैपेबिलिटी पर। आपको सेल्फ प्लस किक स्टार्ट मिल जाता है। ऑन रोड की बात करें 98,000 का ऑन रोड है, फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, और न्यू हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 में आपको मिल जाता है मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, और न्यू हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 में आपको मिल जाता है मोबाइल चार्जर। सो आपको बाहर से कुछ भी इंस्टॉल नहीं कराना है, कंप्लीट बाइक मिलती है, और इस बाइक को आप किसी भी कंडीशन लेके जा सकते हैं। अगर आपको ऑफ रोड करना है, डेली राइड करना है, हाईवे राइड करना है, काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है। 70 प्लस का माइलेज देती है, बट माइलेज हमेशा डिपेंड करता है राइडर की कैपेबिलिटी पर कि राइडर किस तरीके से राइड करता है। आप स्लो चलाएंगे डेफिनेटली 70 का माइलेज दे देगी आपको, वैसे आपको ये डेफिनेटली 50 का तो दे ही देगी हर एक कंडीशन में। आपकी क्या राय है इस बाइक को लेके कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।